स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर के बारे में। आज हम लोग इंजीनियर्स जानने वाले हैं कितने टाइप के क्रैक्स हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आते हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, कहां तक हम उनको अलाउ कर सकते हैं, साथ ही साथ उन क्रैक्स के रिपेयर कैसे किया जाना चाहिए और क्रैक ना आए उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस प्रिवेंशन हमको लेने चाहिए, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मैं हूं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर गजेंद्र, एक बार वापस से आया हूं आपके लिए एक खास टॉपिक के साथ, जहां हमारा कंटेंट है क्या क्या कॉजेस होते हैं बिल्डिंग में क्रैक्स आने के कारण, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस होती है, कितने टाइप के क्रैक्स वॉल में रहते हैं हमारे, कौन कौन से टाइप के क्रैक्स वॉल में होते हैं, उनको कैसे रिपेयर करना है और कैसे प्रिवेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रैक्स। तो इसमें बोला जाता है कि कोई भी क्रैक हमारा आरसीसी मेंबर, दैट मींस जहां पर मैं आरसीसी कर रहा हूँ, कॉलम बीम स्टेयरकेस स्लैब या स्लैब बीम हो गया, फुटिंग हो गया, इन मेंबर में मैं कोई भी क्रैक अलाउ नहीं करूँगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, इन सीवर कंडीशन अप टू 0.1 mm क्रैक्स विथ परमिटेड। सीवियर कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो सकता है और सी वाटर का मरीन इफेक्ट कम हो, ऐसा स्ट्रक्चर का पार्ट हमारा सीवियर कंडीशन में आता है। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि मॉडरेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन अप टू 0.2 mm विथ इज परमिटेड। मॉडरेट कंडीशंस का मतलब होता है कि हल्का रेन वाटर आने का चांस हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग 0.2 mm विड्थ का क्रैक परमिसेबल करते हैं। आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पर है कॉजेस ऑफ बिल्डिंग क्रैक्स, क्या कारण होते हैं कि जहाँ पर हमारे बिल्डिंग में क्रैक्स आने की संभावना होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या होता है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जब हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन के दौरान हम उसको जब कास्ट करते हैं, एक्सक्यूट करवाते हैं साइट पर, तो वो आपस में रिएक्ट करता है जिसके कारण क्रैक डेवलप हो जाते हैं। सेकंड आता है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ नेचर, जहाँ पर ऐसा नेचर है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या तो फिर जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो, उस कंडीशन में भी आपके क्रैक्स डेवलप होंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि फाउंडेशन मोमेंट एंड सेटलिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब कहीं पर मेरा फाउंडेशन ऐसा बना हुआ है जहाँ पर वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने प्रॉपर डेप्थ उस फुटिंग की, उस स्ट्रक्चर की प्रोवाइड नहीं की हुई है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा फाउंडेशन सिंक कर जाएगा, मतलब सेटल हो जाएगा और वहाँ पर भी क्रैक्स हमारे डेवलप हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है हमारा रॉन्ग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि आपने कंस्ट्रक्शन मेथड को प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, जैसा कि हमारे रूरल एरियाज में होता है, कंस्ट्रक्शन मेथड प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्रैक्स हमारे जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अब आता है फ्रेंड्स हमारा श्रिंकेज के कारण जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, उसमें आता है फर्स्ट पॉइंट एक्सेसिव वाटर। अगर मोर्टार में एक्सेसिव वाटर, ज़्यादा वाटर डाल दूंगा, तो उस वजह से यहाँ पर श्रिंकेज के कारण क्रैक डेवलप होगा। सेकंड चीज़ आती है कि हमारे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर हमारा ज़्यादा हो जाएगा जितना हमारे रेशियो में दिया हुआ है, तो उस कारण भी आपका क्रैक डेवलप हो सकता है। थर्ड आइटम होता है जब आपकी क्यूरिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। सेकंड आइटम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड सॉइल, जहां पर हमारा फाउंडेशन का सेटलमेंट हो सकता है, ऐसे में क्या क्राइटेरिया आएगा, फर्स्ट वन आएगा अनइक्वल बेयरिंग प्रेशर, जहां पर साइट पर एक समान बेयरिंग प्रेशर नहीं होगा, उस कारण वहां पर उस पॉइंट पर जहां पर पॉइंट लोड फॉर्म होगा, वहां पर आपका फाउंडेशन सिंक हो सकता है और क्रैक डेवलप हो सकता है। सेकंड चीज़ है लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर उस डिज़ाइन को डिज़ाइन किया हुआ है, आपके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है, तो वहाँ पर क्रैक डेवलप होने के चांस ज़्यादा है, वहाँ लूट कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हुई होगी, जिसके कारण हमारा सेटलमेंट एंड क्रैक्स डेवलप होगा। लास्ट पॉइंट आता है इसमें लोकल वाइब्रेशन इन नेचर, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अर्थक्विक का अगर छोटा मोटा वाइब्रेशन आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं।
क्रैक के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है डायगोनल क्रैक। डायगोनल क्रैक जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी एक वॉल है, इसमें डायगोनली फॉर्म हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक्सपेंशन ऑफ क्ले सॉइल बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करेगी वहाँ की क्ले सॉइल और उसका एक्सपेंशन होगा जिसके कारण ये सेटलमेंट होगा और यहाँ पर डायगोनल क्रैक्स डेवलप होगा। सेकंड टाइप का क्रैक्स हमारा आता है वर्टिकल क्रैक। इसका मेनली रीज़न ये माना जाता है कि आपने अपने ब्रिक वर्क में 30 मीटर पर अगर एक्सपेंशन जॉइंट अवेलेबल नहीं कराया है, प्रोवाइड नहीं कराया है, तो वहाँ पर आपका वर्टिकल क्रैक फॉर्म होगा। अब आता है दोस्तों कि कैसे हम क्रैक को रिपेयर करें जब हमारा क्रैक होलो साउंड दे रहा है, जब हम उसको स्टक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ से प्रॉपर कट के साथ जो प्लास्टर का पार्ट है उसको रिमूव करना है। उसके बाद में हम लोग उसको अच्छे से सरफेस प्रिपेयर करेंगे ताकि वहाँ पर कोई भी लूज मटेरियल, लूज पार्ट ना हो। फिर उसके बाद हम लोग सीमेंट की पनिंग करने के साथ सीमेंट का फ्रेश मोर्टार वहाँ पर अप्लाई करेंगे और वहाँ पर अच्छे से क्योरिंग वगैरह ध्यान रखते हुए इस तरह से इसको रिपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जहाँ पर ऐसे क्रैक जहाँ पर होलो साउंड हमारा सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग लूज मटेरियल को हटवा कर वहाँ पर एपॉक्सी कंपोनेंट को फिल कर देते हैं और उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फिनिश कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो ये हमारे क्रैक्स रिपेयर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन हमको अपनाने चाहिए जब हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या हमारे क्रैक्स डेवलप ना हो, इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो फर्स्ट आइटम है कि आपका ड्रेनेज अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि आपकी वाटर की एंट्री बिल्डिंग में कम से कम हो, मिनिमाइज हो, जिससे कि कोई भी सेटलमेंट का चांस ना बने, कोई भी एक्सपेंशन का चांस ना बने। सेकंड पॉइंट आता है कि हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, वॉल की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फिलिंग सॉइल या फील्ड सॉइल के ऊपर करने से बचेंगे ताकि वहाँ पर सेटलमेंट ना हो। और थर्ड पॉइंट है कि कहीं पर भी आपके बिल्डिंग प्रोजेक्ट, बिल्डिंग कैंपस के अंदर कोई भी ट्रीज अवेलेबल ना हो जो बिल्डिंग को उसकी रूट के थ्रू डैमेज कर सके और वहाँ क्रैक डेवलप हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह के और टॉपिक्स जिस पर आप वीडियोस चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें फुली इन्वॉल्व हो। जिन भी टॉपिक्स पर आप वीडियो चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारे लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए और वहाँ पर जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और एक बार मैं वापस से कहना चाहूँगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।